मेरा नाम शाहिद शेख है, मैं कामठी में रहता हूँ और मैं जॉब करता हूँ RTO ऑफिस में कंसल्टेंट का। मुझे हेयर फ्री हेयर ग्रो का एड्रेस मुझे इंस्टाग्राम से मिला और फिर मैं वहाँ पर क्लिनिक पे विज़िट किया। वहाँ मुझे संजय शर्मा सर से मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का सजेस्ट किया। हेयर ट्रांसप्लांट है और थोड़ा सा नर्वस हूँ और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक नागपुर ब्रांच से। मेरे साथ आज जो मेरे पेशेंट हैं, इनका नाम है शाहिद और इनकी एज है 30 ईयर्स और अभी इनका बाल्डनेस जो है अप्रोक्सीमेटली Grade 3V पैटर्न में आ गया था। मतलब इनका क्राउन में भी हल्का सा गैप आ गया था, साथ ही यहाँ से पैटर्न बन गया था जो मेल पैटर्न होता है। तो मेरे ही किसी एक्स पेशेंट के थ्रू इनको रेफरेंस मिला कि आप मतलब डॉक्टर संजय शर्मा से हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। उसके बाद ये आज मेरे पास आए। जब मॉर्निंग में आए तो काफ़ी इनके अंदर डर था, क्वेरीज था, हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से होगा, कितनी तकलीफ होती है, क्या होता है। तो मैंने जब इनको देखा कि ये इतने अधिक मतलब एंजियस हैं, तो हमने एक चीज़ किया कि इनका फिर जो मतलब डोनर एरिया है उसमें भी हमने टॉप लिप क्रीम लगा के नम कर लिया, तो इनका इंजेक्शन का पेन भी हमने ऑलमोस्ट बहुत ही कम कर दिया। तो इनका पेन परसेंटेज भी बहुत ही डाउन रहा और इनका एक्सपीरियंस भी सर्जरी का अभी कैसा रहा है वो हम इनसे पूछते हैं। तो शाहिद जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर्जरी का? बहुत बढ़िया सर। आने के पहले इतनी नर्वसनेस थी कि बता नहीं सकता। मैं फर्स्ट टाइम मैं सर्जरी करा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कभी ना इंजेक्शन कभी इंजेक्शन भी नहीं लगा आपको सिलाइंस भी नहीं लगाया मैंने। ठीक। तो जब मैं फर्स्ट आया, जब आपने मोटिवेट किया और जैसे मुझे बताया और कि इसमें पेन कम होता है और रियल में कि पेनलेस है, पेनलेस ऑलमोस्ट पेनलेस है। नॉर्मल सा एक रहता है जो हैंड पे जो लेते हैं अपन, शोल्डर्स पे लेते हैं, हैंड्स पे लेते हैं, उस टाइप का ही है। बस उस टाइप का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। आपको जो आपने अपना डिसीजन लिया है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो आपने बताया कि कोई मेरा एक्स पेशेंट नहीं आपको बताया जी, जी 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 तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा सर्जरी में? उनसे ही मैं देखा हूँ। मैं मेरे मतलब आप मेरा फ्रेंड ही हो। अच्छा। तो मैं उनसे मिला, उनसे उनका देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा उनका ट्रांसफॉर्मिंग है। हाँ, तो और बहुत अच्छा रिजल्ट था उनका। मैं बोला फिर मैं भी करा सकता हूँ और मेरा रिजल्ट भी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्योंकि मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ, जिन लोग का भी स्मॉल एरिया बाल्डनेस है, अगर उनका Grade 4 तक है 5 तक भी है और डोनर एरिया स्ट्रांग है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा बाल्डनेस हुआ जहाँ पे कि हमारे पास अगर ग्राफ्ट नहीं है तभी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर दूसरा, इनका हेयर लाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाया है, बहुत ही हल्का सा विडोज पीक लिया उनका, क्योंकि हल्का सा राउंड फेस है उसको देखते हुए। अगर लंबा फेस रहता है तो विडोज पीक हम ज़्यादा लेते हैं, अगर फेस ऐसा है तो विडोज पीक उसने कम लिया है। और कॉर्नर्स बनाए हैं इनके टिपिकल M पैटर्न में बनाए हैं, डेंसिटी बहुत हाई रखी है, सेफायर टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट किया है। तो अब जो मतलब इस तरह के पेशेंट में जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा आता है, नेचुरल रिजल्ट आए। उसके लिए सिंगल लाइन ग्राफ डाले हुए हैं स्टार्टिंग में, जिग जैग पैटर्न में डाले हुए हैं। इनका रिजल्ट आएगा, मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। और आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है पोस्ट सर्जरी मैंने आपको दे दिए हैं जी। ठीक है। अभी आप मेरी से मतलब हफ्ते भर के बाद मिलिए, तब आपका हम हेड वॉश करते हैं। उस दिन ही आपको इतने बड़े बड़े बाल दिखने लग जाएंगे, हेड वॉश के बाद की पिक्स आप बिल्कुल देख के एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू।